तो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता, फार्मासिस्ट की आवाज, आपकी आवाज में आपका स्वागत है। और आज महिला विश्व महिला दिवस है, और विश्व महिला दिवस के इस अवसर पे हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। हालांकि ये रेंडमली ये ऑर्गेनाइज किया गया था, और हमारे साथ आज जुड़ी हुई है विशाखा, पूनम मौर्या और डॉक्टर ममता मैम भी जुड़ेंगी, और हर्ष यादव जी भी कुछ देर बाद जुड़ेंगे। पहले आप सभी को हार्दिक बधाई विश्व महिला दिवस की, विशाखा जी, पूनम जी और हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, स्पेशली फीमेल फार्मासिस्ट इस पेज से जुड़े हुए हैं, एंड थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। और मैं बता दूं कि विशाखा जी एक मेडिकल एनालिस्ट फार्मा कंपनीज में काम करते हैं, पूनम जी एज ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट एज ए फीमेल फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, और हमारे इन बिटवीन जुड़ेंगे डॉक्टर ममता मैम, जो आप सभी को पता ही है। और मैं स्टार्ट करता हूँ आज का छोटा सा सेशन, और उसमें हम ज्यादा टाइम नहीं खींचेंगे क्योंकि थोड़ा शॉर्टेज ऑफ टाइम भी है। तो बहुत सारे रोल होता है, बहुत सारे फार्मासिस्ट हैं जो फीमेल फार्मासिस्ट है, जो उनके यदि देखा जाए तो उनका डिफरेंट डिफरेंट रोल्स है, स्पेशली फार्मेसी सेक्टर्स में। और इसीलिए आज मेरे साथ जुड़ी हुई है डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन है विशाखा जी, पूनम जी, जो कुछ हम बातें डिस्कस करेंगे कि आखिर फीमेल फार्मासिस्ट का एक्चुअल रोल क्या होता है हेल्थ केयर सेक्टर में। तो मैं पहले पूनम मौर्या की तरफ भी जाऊंगा। थैंक यू सो मच पूनम मौर्या जी। और मैं बताऊं, पूनम मौर्या जी कविता भी लिखती हैं, कई सारे प्रोग्राम भी करती हैं दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में अक्सर, और काफी हाउसफुल भी रहता है इनका प्रोग्राम देखा जाए तो, सोशल मीडिया भी काफी एक्टिव है। तो पूनम जी की बारे में बताऊं तो वो अपोलो दिल्ली में एज ए फीमेल फार्मासिस्ट काम कर रही हैं। थोड़ा आप बताओ क्या चैलेंजेस होता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है एज ए फीमेल फार्मासिस्ट यदि वो हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं तो। देखिए, चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं फार्मेसी फील्ड में, स्पेशली जहां तक नहीं, महिलाओं पहले को विश अपना का आप पहले बताइए कि आप क्या करती हैं, क्योंकि आप अपने बारे में बताएं, देन आई गो थ्रू। तो नमस्कार सभी को। फार्मासिस्ट की आवाज के पेज से मैं पूनम मौर्या मैं आज थोड़ा देर आपका रुकूंगा, पूनम जी, डॉक्टर ममता मैम जी जुड़ चुकी हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर ममता मैम, एंड विश यू हैप्पी नमस्कार। वुमेन्स डे आपको। और आप हमारे साथ विशाखा, पूनम जी जुड़े हुए हैं, हर्ष यादव जी भी जुड़ेंगे, और आज बहुत सारे व्यूअर्स हैं स्पेशली फीमेल फार्मासिस्ट, तो वो आपको सुनना चाहेंगी कि आप थोड़ा सा उनके लिए दो चार लाइन बोले, बिकॉज आपको बहुत बिजी शेड्यूल में आपने टाइम दिया है। जी, यस डॉक्टर ममता नहीं मैम पहले तो प्लीज। पूनम मैम को सुनना चाहेंगे सर, पूनम मैम को अच्छा रोकेंगे ठीक नहीं है हम तो ओके श्योर श्योर, या बहुत पूनम जी प्लीज। बहुत आभार डॉक्टर ममता, और डॉक्टर ममता को कोई परिचय की आवश्यकता नहीं। शी इज अ प्रिंसिपल ऑफ फार्मा कॉलेज इन गुड़गांव। तो आपका ये कहना कि पहले मैं पढ़ूंगी, मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है मैम। और क्योंकि फार्मासिस्ट की आवाज के पेज से हम निरंतर आते रहते हैं और हम बात करते रहते हैं, आज विश्व महिला दिवस है, तो सबसे पहले जितने भी महिलाएं, महिला व्यूअर्स हैं या जितने भी लोग अपने घर की महिलाओं को प्रेम करते हैं, उन सभी को विश्व महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं पूनम मौर्या अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में कीमो मिक्सिंग यूनिट सुपरवाइजर की तरह से काम करती हूँ। और निरंतर काम करते रहने की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस हैं महिलाओं के जीवन में। लाइक अगर आप वर्किंग हो, मदर हो, मैरिड हो, लॉट्स ऑफ थिंग यू आर फेसिंग इन योर डेली लाइफ, यू नो। और चैलेंजेस तो इतने ज्यादा होते हैं, कई बार लोग आपको सुनते नहीं, कई बार आपको अपनी कहते हैं आपकी चीजों को लिफ्ट करना पड़ता है, आपको अपने आप को पॉलिश करना पड़ता है बार बार। क्योंकि मेंस आर मोर पावरफुल देन वुमेन, कहते हैं ना, उनकी फिजिकल राइट स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, बट मेंटली जो फीमेल होती है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। कहते हैं कि धैर्य महिलाओं का सबसे बड़ा आभूषण होता है, कहते हैं। तो हाँ, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और आसपास मर्दों को समझा पाना भी बहुत मुश्किल होता है, बट कहते राइट हैं ना कि एक सादा सी मुस्कान रखो और बात करो, सभी मान जाते हैं। मतलब महिलाओं की सौम्यता तो वैसे भी आजकल का जो माहौल है, और स्पेशली फार्मेसी प्रोफेशन में मैं कहूंगी कि फार्मेसी एक ऐसा फील्ड है जिसने महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका शुरू से दिया ही है, क्योंकि एक या ऐसा एग्जैक्टली सेफ एंड साउंड प्रोफेशन है जहां पर महिलाएं शुरू से आगे बढ़ाई गई हैं। आप देखिए, बहुत जैसे डॉक्टर ममता ही को देखिए, फार्मेसी कॉलेज की प्रिंसिपल है, तो शी इज अ रेनाउंस वुमन, यू नो। इनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है। विशाखा जी हैं जो सीनियर एसोसिएट हैं तो इनो डाटा में, तो आप देख सकते हैं कि महिलाओं का प्रभुत्व इस फील्ड में जरूर है। और
मेनी 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 थैंक्स टू देम, हु बिलीव इन अस कि हाँ महिलाएं भी कुछ कर सकती हैं. स्कोप आर एवरीवेयर, यू नो, जितने भी लेडीज जुड़ती हैं हमारे साथ, तो बहुत सारे स्कोप हैं. आगे बात करने से पहले, डॉक्टर ममता हैं हमारे बीच, तो पहले इन पे चलते हैं, फिर हम आगे चलेंगे. जी डॉक्टर ममता. प्लीज डॉक्टर मेहता मैम, आप लोग सुनने के लिए भी बैठे हुए हैं। एंड पहले वो हाँ डॉक्टर ममता मैम, यदि देखा जाए तो अपने आप में मतलब किसी परिचय की जरूरत ही नहीं है। जो भी अपनी बातें जो हैं वो बहुत बोल्डली रखते हैं, चाहे कुछ समस्या हो, चाहे कि कोई भी इश्यूज क्यों ना हो, फार्मेसी सेक्टर में अक्सर अपनी बात रखते हैं। तो सर, ये वो बहुत डर, ये बड़ी सब बात कैसे है. चीजें निकालते हैं? बहुत लोग ऐसे हैं फीमेल फार्मासिस्ट जो ऐसे डरते हैं, वो ओपनली खुल के बोल नहीं पाते, उनके पास प्रॉब्लम्स हैं, बट आपके पास जाते हैं बट वो ओपनली बोल नहीं पाते हैं। तो आज आप फार्मेसी सेक्टर में बहुत सालों से काम कर रही हैं, जो एकेडमिक में, तो आप क्या देना चाहिएगा मैसेज? मोस्ट ऑफ ऑल कि सर आपने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और आप ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद. आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जो बनाया है कि यहाँ पे आके सब अपने बोल सकते हैं. एटलीस्ट हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसके बारे में अगर हम बोलते भी नहीं है तो वो सबसे बड़ा क्राइम है. तो एग्जैक्टली राइट। वो एक, मैं तो उसको एक क्राइम ही मानती हूँ, क्योंकि कोई चीज़ हो रही, अगर हम एजुकेटेड है तो एजुकेटेड का मतलब यही होता है कि अपनी बात को रखना, वो मानी जाती है या नहीं मानी जाती है, लेकिन अपने व्यूज को एटलीस्ट आप जो है एक तरीके से उसको रखो. अगर आपको लगता है, जैसे फार्मेसी फील्ड की हम बात करें, कि फार्मेसी फील्ड में कुछ होता है तो हम बहुत बोल्डली उसको रखते हैं, क्योंकि ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मैं इसलिए बोलती हूँ कि ये मेरी एक जिम्मेवारी है, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने, मतलब कि हमारे सीनियर्स भी सोचते होंगे कि पता नहीं क्या बोलती रहती, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए. 10 में से 1 पॉइंट तो उन्हें लगेगा ना कि हाँ ये लड़की सही बोल रही है. तो आज नहीं तो कल, तो मतलब उसमें सोचेंगे तो ना कि हाँ ये चीज सही है या नहीं है. तो मेरे ख्याल अपने व्यूज रखने चाहिए उसमें. ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम किसी के अगेंस्ट बोल रहे हैं. सबकी अपनी थिंकिंग है, सबकी अपनी सोच है. हो सकता है वो हमारे सीनियर्स हैं, उन्होंने किस कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज को रखा हो, उस कुछ उनका कुछ पॉइंट व्यू और हो रहा हो, हमारा कुछ और है. तो मेरा ख्याल ये बस ये रहता है कि मैं किसी के अगेंस्ट या उसमें नहीं होती हूँ. मेरे जो ख्याल आते हैं मैं बस वो रखती हूँ, मैं और कुछ नहीं करती हूँ कि मैं किसी के नहीं, अगेंस्ट बहुत हूँ सारे या ऐसे नहीं. लोग हैं जो बहुत ही झिझकते हैं बातें रखने के लिए, तो वो सब ऐसे जो फियर है वो कैसे खत्म किया जाए? आखिर बहुत सारे ऐसे हैं, और मैं कई जैसे बार, मेरे पूनम पास मैम मैसेज ने आते हैं। कहा, जैसे पूनम मैम ने कहा, तो मैं बस यहाँ पे ये चीज भी शेयर करना चाहूंगी कि हरियाणा के अंदर जितने भी फार्मेसी कॉलेजेस के प्रिंसिपल है ना, उनका नाम भी मैं यहाँ पे आप सुन रहे होंगे, वैश कॉलेज के हमारे सर है, वो कहेंगे ये हमारी लक्ष्मी बाई है. मतलब कि किसी से लड़ना है, रजिस्ट्रार से लड़ना है, किसी से भी लड़ना है, बस वहां पहुंच जाना है. ठीक नहीं है, डॉक्टर तो मानता हूँ, आप फार्मेसी सेक्टर का बोला जाए तो लक्ष्मी बोल सकते हो, आपने जो बोला लक्ष्मी वो बाई आप बोल है, सकते हो। बिल्कुल या नहीं एग्जैक्टली नहीं ऐसा नहीं. तो मैं कह नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है. मतलब कि हम उस पोजीशन पे बैठे हैं कि अगर आप प्रिंसिपल हैं तो अगर आप उस चेयर पे बैठे हैं और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर सकते हैं, तो या तो आप उससे रिजाइन दे दो या फिर उसके लिए लड़ो. दो ही ऑप्शन है आपके पास है. ठीक है, लड़ना तो इज ये है. बेस्ट और ऑप्शन। हाँ, तो लड़ना इज बेस्ट ऑप्शन. और थैंक यू क्यों ना सो मच लड़े, मतलब डॉक्टर कि मानते। हमारी एजुकेशन का मतलब क्या है कि जब हम लड़ ही नहीं सकते, जब हम बोल ही नहीं सकते हैं, तो वो तो एक डमी की तरह ही रहे ना हम. तो वही बात है कि उसका मतलब क्या हुआ. और नहीं, वुमेन्स बहुत डे सारे पे मैं ऐसे ये हैं जो कहना चाहूंगी, अब ये प्लीज प्लीज वुमेन्स डे के ऊपर ये कहना चाहूंगी कि हमारी रिस्पेक्ट तभी होगी जब हम खुद अपनी रिस्पेक्ट करेंगे. तो सबसे करेक्ट। पहले हमें खुद को अपनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि या मेरी भी एक आइडेंटिटी है और मेरा भी है. मैंने अपने, मतलब मेरा जो ऑफिस है उसके पीछे मैंने अपना सरनेम नहीं लगाया है. मेरे कॉलेज में मेरे 80% लोग मेरा सरनेम नहीं जानते हैं, डॉक्टर ममता बोलते हैं वो मेरे कहीं पे भी. और इवन की जितने भी और भी हैं, जैसे वो लिख देते, तो मुझे लगता है कि मेरी खुद की आइडेंटिटी है. तो एक अपनी खुद की आइडेंटिटी नहीं, होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए. मतलब ये मेरे व्यूज है, इसको प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा कि भाई एक पूरी पेरेंट्स का फार्मेसी सरनेम कम्युनिटी लगाना है, यहाँ फिर पे शादी गर्व हो गई है जी, करता हस्बैंड का सरनेम, व्हाई नॉट. मतलब हमारी भी तो कोई आइडेंटिटी है ना, पहले पेरेंट्स की आइडेंटिटी रखो, फिर जी हस्बैंड की आइडेंटिटी रखो. हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है. वो कब होगी, जब हम अपनी पहचान खुद बनाएंगे.
और हमारी पहचान तब बिल्कुल बनेगी जब हम अपनी रिस्पेक्ट पहले खुद करेंगे, तभी लोग हमारे रिस्पेक्ट करेंगे। हम किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रख एग्जैक्टली सकते कि वो हमारे रिस्पेक्ट करेंगे, जब तक हम नहीं करेंगे तब तक कोई नहीं करेगा। ये डॉक्टर मंदा बहुत बड़ी और बात बोला आपने, बिकॉज मुझे आज मुझे जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में बहुत सारी चीजें सोचना पड़ रहा था, क्योंकि 2 दिन पहले ही मैंने एक न्यूज कटिंग भी शेयर किया था सिंधु कुमारी जो ड्रग इंस्पेक्टर के हैं, जो उनका बहुत सारा करप्शन का मामला आया, और आज मैंने अचानक से ये प्रोग्राम रखा, तो मुझे बड़ा वो चीजें समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। एक एक कोई है जो सम्मान के लिए डर रहा है, एक जो है प्रोफेशन को डुबाने में लगा हुआ है, तो दोनों मिक्सअप भी हो रहा था, तो बहुत ही सोच समझ के ये प्रोग्राम रखा मैंने। तो आपने भी सर देखा होगा देखो, वो ऐसे पोस्ट। सर देखो, इस पे मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारा कोविड हुआ है, कोविड से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं कि जो ये पैसा है, ये है वो, ये सब यहीं रह के चले जाना है। आपका जो जो आपकी लाइफ है उसका कल का कुछ नहीं पता है, तो परमात्मा ने जितना आपको दिया, बहुत अच्छी जॉब पे है, ठीक है, एक अच्छा प्रोफाइल है, तो मेरे ख्याल से ये दिस दैट मच इज सफिशियंट। और जो सेटिस्फेक्शन है वो आपके अंदर ही है, वो किसी आप कितना भी कमाते रहे वो सेटिस्फेक्शन तो आएगी नहीं, सेटिस्फेक्शन तो आपके अंदर है। जो 20,000 रुपये कमाता है वो भी अपना घर चलाता है, जो 40 कमा रहा है वो भी अपना घर चला रहा है, जो 70 कमा रहा है वो भी अपना घर चला रहा है। तो मतलब इन सारे चीज शायद ये मैसेज सिंधु कुमारी जी जो जयपुर के ड्रग इंस्पेक्टर हैं उनको भी ये मैसेज मिला होगा, शायद ये सुनी होंगी वो भी। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर ममता मैम, आपकी नेटवर्क का इश्यूज है आई थिंक, देन आई विल मूव टू द विशाखा, एंड विशाखा थे विश यू हैप्पी वर्ल्ड फार्मासिस्ट, सॉरी वर्ल्ड हैप्पी वुमेन्स डे, मुझे तो फार्मासिस्ट की आदत हो गई है। एग्जैक्टली तो विशाखा जी, आप या एज ए सीनियर एसोसिएट आप काम करते हैं एक एमएनसी कंपनी में, तो आप फार्मेसी में क्या टेक्निकल एस्पेक्ट से क्या क्या चैलेंजेस देखते हैं यदि देखा जाए तो, क्या इंपॉर्टेंट है फीमेल फार्मासिस्ट का हेल्थ केयर सेक्टर में? सो आपसे टेक्निकल एस्पेक्ट से मैं जानने की कोशिश करूंगा, देन अगेन आई विल मूव टू द पूनम मैम एंड डॉक्टर ममता। थैंक यू। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड आई विश यू एवरी विमेन एंड मेन अ वेरी हैप्पी विमेन्स डे। एंड चैलेंजेस तो इतने अब नहीं हो रहे हैं सर जितने पहले होते थे। अब आई थिंक विमेन हैज बिकम मोर एम्पावर्ड, और ये एम्पावरमेंट कर करके हम काफी ज्यादा एम्पावर्ड हो चुकी हैं। अब जरूरत है कि लोग हमें एज एन एम्पावर्ड विमेन एक्सेप्ट कर सकें, ठीक है। अब करेक्ट, छोटी जो है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा क्या है, जेंडर इक्वालिटी इस 2022 का हमारा थीम है विमेंस डे का। बट सर, मोर देन दैट आई बिलीव इक्विटी इक्विटी ज्यादा जरूरी है इक्वालिटी से। एंड चैलेंजेस का रियली बताऊँ तो ऐसा मुझे इतना ज्यादा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, या तो मेरी जॉब शायद अभी नहीं है तो मैं इतना फेस नहीं कर रही हूँ। एंड विमेन एज अ फार्मासिस्ट हमारा रोल क्या होना चाहिए सर? जब एक विमेन जब या एक चाइल्ड का जब बर्थ होता है, गर्ल चाइल्ड का, शी स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन इन दैट फेज ओनली, जब वो अपने जो है जाइगोटिक फेज से ही जो है वो एक और बेबी को बर्थ देने का जो है प्रिपरेशन वहीं से शुरू कर देती है। एंड सर, शी इज द फर्स्ट कॉन्टैक्ट, कोई भी फैमिली होती है वहां पे विमेन इज द फर्स्ट कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट व्हेनेवर इट कम्स टू चाइल्ड पेशेंट्स एल्डरली पेशेंट्स। सो इन माई व्यू जो है, हम विमेन फार्मासिस्ट को हम जो है घरों में जाके या फैमिलीज में जाके, जैसे कि हम बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, तो थोड़ा सा एक बेसिक मेडिकेशन दें और ऐसा कोई प्रोग्राम्स रन करें जो कि जो है वो बेसिक, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एड है या कोई भी है, तो एक जो है क्या रहेगा, अगर छोटा बेबी भी है या एल्डरली पेशेंट्स का मेनली ये रहता है, तो क्या रहता है कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है तो विमेन ही है, हम उन्हीं को ये बताते हैं। तो क्या है कि हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे बनाए, जैसे डायटेटिक्स के लिए बहुत सारे बने हुए हैं या नर्सिंग वालों ने भी बहुत सारे बना रखे, बट हम फार्मासिस्ट का ऐसा कुछ नहीं बनाया। सो आई थिंक हमें एक ऐसा एसोसिएशन बनाना चाहिए ऑन दिस वुमेन्स डे, और एज अ फार्मासिस्ट मुझे ऐसा फील होता है। और इतने बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे, तो आई ऑब्वियसली नीड योर सपोर्ट, एंड मैं श्योर करती हूँ कि मैं यंगस्टर्स ले आऊंगी, बट आप लोग का सपोर्ट चाहिए। नहीं, श्योर ममता मैम डेफिनेटली शी विल हेल्प यू इन दिस। क्या डॉक्टर ममता मैम आप क्या बोलती हैं? सर मैं तो खुद ही जैसे कि जैसे मैम ने बात किया वुमेन्स के लिए, तो बहुत सारी हेल्थ केयर स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, तो मैं तो इवन कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो विलेजेस से हैं, उनके ग्रुप्स बनाते हैं, हम लोग ग्रुप्स बनाए हुए हैं
तो उनको एक बच्चे को स्कीम बताते हैं और वो जितने भी आपके नेबरहुड हैं उनको जाके वो स्कीम्स बताते हैं। तो ऐसी बहुत सी वुमेन्स के लिए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने वो किया हुआ है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनका कार्ड बनता है, उनको डिलीवरी के लिए 8,000 या 6,000 जो उनके अकाउंट में आते हैं, आधे लोगों को वो चीजें पता ही नहीं है। तो हमारे जो बच्चे हैं उन बच्चों को पहले हम अवेयर करें, मतलब कि समाज को अवेयर करने के लिए पहले हमारे पास जो चीजें हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो तो अलग अलग जगह से आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमने उन बच्चों को ही ट्रेन कर दिया तो वही बच्चे वहां चले जाएंगे और हमारी सोसाइटी तो ऑलरेडी जो है अवेयर हो जाएगी। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप सोसाइटी के लिए या आपको किसी के लिए भी कुछ करना है तो आप सीट लेने की जरूरत नहीं है, आप अपनी सीट पे बैठे बैठे ही बहुत कुछ कर सकते हो। तो हमारा मतलब मेरा मानना ये है कि जैसे नुक्कड़ नाटक होते हैं या जो बच्चों ने फार्मेसी की शॉप्स खोल रखी है, बेटा आप इसमें एक चीज और एड ऑन करो कि आपसे कोई दवाई लेने आता है तो उसको गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं वो बताओ और उसको कैसे फील किया जाता है वो भी बताओ। तो इस तरीके से हम जो है सर उन वुमेन्स की हेल्प भी कर सकते हैं, और उनको बहुत सारे गरीब होते हैं जैसे विलेजेस में होते हैं, उनको नहीं पता होता ये सारी चीजें, तो ये छोटे छोटे जो एफर्ट्स होते हैं इनसे लगता छोटा है लेकिन अगर हम इस चीज को करते हैं तो आत्मा को बहुत सुकून मिलता, बाकी का तो मुझे पता नहीं है सर। यदि देखा जाए तो फीमेल फार्मासीज, यदि देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे चीजें जैसे फैमिली प्लानिंग हो गया, एसटीडी डिजीज हो गया स्पेशली फॉर फीमेल्स में, तो वहां पर भी अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। और प्लानिंग्स को खासकर तो प्लानिंग्स को लेके बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी भी हम चला सकते हैं, यदि क्या राइट डॉक्टर ममता मैम, बिकॉज सर मैं एक चीज जैसे अवेयर नहीं फ्रेंड के होते। साथ हेजिटेशन, हाँ तो जैसे हेजिटेशन होता है, हम कॉलेजेस में जैसे कैंप लगा सकते हैं स्पेशली लेडीज के लिए कैंप लगा सकते हैं, जो आसपास के जो विलेज की लेडीज है उनको बुला के ये वाली चीजें भी हम जो है स्टार्ट कर सकते हैं सर। ऐसे छोटी छोटी एफर्ट्स अगर हम करने लग जाएंगे तो हेल्थ केयर सिस्टम ऑलरेडी एग्जैक्टली हो जाएगा। वो हमें स्पेशली फीमेल्स के लिए बहुत सारे यस पूनम जी, और पूनम जी अपोलो हॉस्पिटल में काम करती हैं एज ऑन कीमोथेरेपी मिक्सिंग डिपार्टमेंट में, तो आप क्या ऑब्जर्व, आपने ऐसा ऑब्जर्व किया कि एक जो फीमेल फार्मासिस्ट का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले एक कर सकता है यदि इस तरह का सिस्टम सिस्टमेटिक तरीके से यदि बनाया जाए तो? जी 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 बिकॉज बहुत सारे अगर इंटरनेशनल आर्टिकल्स मैंने देखा है वहां पे दिया हुआ है हाँ काफी चीजें। जी तो जो फीमेल फार्मासिस्ट जैसे डॉक्टर ममता और विशाखा जी का आइडिया था कि वी कुड डू वी शुड मेक अ ग्रुप, और छोटे छोटे ग्रुपों में छोटे छोटे प्रोग्राम्स हमें करने चाहिए क्योंकि हम महिलाएं हैं, हम ज्यादा वी हैव ब्रांचेस इन साइड अस, यू नो हम हमारे अंदर वो क्षमता है लोगों को समझा पाने की, हम लोगों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। जो घर की महिलाएं हैं, जो घर के बच्चे हैं, वो हमसे बहुत जल्दी सीख सकते हैं। तो क्योंकि हमारे घर के पुरुष थोड़े व्यस्त होते हैं जीविका लाने में और ये सब चीजों, महिलाएं 24/7 हाउस और घर वर्क सारी चीजों को एक साथ मैनेज करती हैं, तो दे आर बेटर मैनेजर देन मेन। तो बीइंग फीमेल फार्मासिस्ट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी हियर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एक बार एक रेशियो हमारे लिए ज्यादा बढ़ जाता है कि हम किस तरीके से चीजों को मैनेज करें। लाइक अगर हम एजुकेशन की बात करें फार्मा एजुकेशन में, तो वहां भी बहुत सारे चेंजेस की जरूरत है जो हम ला सकते हैं। लाइक विशाखा इज एनालिस्ट, यू नो अभी बहुत सारे लड़कियों को बच्चों को नहीं पता है कि व्हाट फार्मेसी में रहते रहते हम आगे क्या ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से जा सकते हैं, राइट। तो ये स्प्रेड ऑफ नॉलेज हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, एजुकेशन के मामले में हो, चाहे वो दवाइयों के मामले में हो, उनके प्रभाव दुष्प्रभावों को लेकर हो, या किसी बीमारी के बारे में हो। जैसे अभी गवर्नमेंट ने अपनी स्कीमें निकाली शिक्षा मित्र, व्हाई नॉट फार्मासिस्ट। तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगा मुझे डॉक्टर ममता का, व्हाई नॉट फीमेल फार्मासिस्ट, वी कैन सेंड आवर फीमेल फार्मासिस्ट टू ग्राउंड्स एंड एक्सप्लेन टू पब्लिक एंड एक्चुअली वीमेन्स कैन कनेक्ट। एंड मुझे वो एक दो पंक्तियां याद आती है अपनी कि एकल मुद्रा एकल भाषा एकल सारा संसार लिए, नारी तू अद्भुत इस जग में जीवित कई अवतार लिए, कहीं तू रक्षक कहीं तू कृपालक, कहीं तू रक्षक कहीं तू कृपालक, कहीं रूप पालनहार लिए। तो देयर इज अ नो बेटर वे देन अ वुमन, अ वुमन कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, यू नो। तो इन फार्मेसी फील्ड
अभी भी कहीं कहीं ना कहीं हम अपने आप को रोके हुए, हम चाहते कहीं ना कहीं हम बहुत सारे फील्ड्स में जाने की कोशिश नहीं करते। लाइक इंडस्ट्री में फीमेल्स का कहते हैं ना जुड़ाव बहुत कम है। हम देखें कि अगर अगर हम देखें प्रोडक्शन में और क्वालिटी कंट्रोल में, क्यूए में और भी सारी चीजों में, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में, यहाँ पे फीमेल्स कम इंटरवीन कर रही है। तो यहाँ भी इनका रोल ज्यादा बढ़ाना चाहिए हमें। और अगर हम देखें कि लाइक एनालिसिस एंड रिसर्च क्लिनिकल ट्रायल्स में फीमेल्स आर डूइंग गुड, एक्चुअली डूइंग गुड। तो आज की डेट में पोजिशन ऑफ फीमेल इन रिसर्च इज ऑल्सो नाइस, बट जो एक रेशियो होना चाहिए, लाइक जैसे फार्मेसी में लड़कियां जितनी पढ़ती हैं उतनी आगे नहीं बढ़ती। इफ यू आर एजुकेटिंग योरसेल्फ बीइंग अ फार्मासिस्ट, यू शुड, आपको वो काम आगे भी करना चाहिए। मतलब आपको सिर्फ शिक्षा लेके घर नहीं बैठना, एक टेक्निकल डिग्री नहीं कि मुझे डिग्री ली, शादी की और घर बैठ गए। मेरे साथ की बहुत सारी महिलाओं ने, लड़कियों ने ऐसा किया है, डिग्री ली, शादी की, बच्चे हुए, घर बैठ गए। यहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मेसी फील्ड को लेके खत्म नहीं होती। यू हैव टू ग्रो मोर, यू हैव टू लर्न मोर, एंड यू हैव टू डू मोर फॉर द सोसाइटी। यू नो, बीइंग अ मिक्सिंग फार्मासिस्ट, आई हैव टू एजुकेट पीपल अबाउट कैंसर, आई हैव टू टेल द साइड इफेक्ट, आई हैव टू लर्न अबाउट मोर थिंग्स लाइक हाउ साइकिल्स वर्क, हाउ पीपल शुड नॉट अफ्रेड ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज ट्रीटमेंट इज एवरीवेयर एवरीवेयर एंड यू वेयर वी कैन गेट इजियर एंड चीपेस्ट ट्रीटमेंट, यू नो, सबसे सस्ता कहाँ मिलेगा। तो डॉक्टर ममता से यहाँ पे मैं कनेक्ट करूंगी कि सबसे सस्ती स्कीम, जैसे भारत सरकार की बहुत सारी स्कीम्स चल रही है, तो वी कैन गो थ्रू विद ऑल दिस थिंग्स। और जो ये दवाइयों को लेके और इलाज को लेके जो स्कीम्स हैं, ये भी पहुंचने चाहिए। तो यहाँ भी हमारा रोल होना चाहिए, यहाँ भी हमारा एक कहते ना, यहाँ भी हमें अपने हमें अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए कि हाँ, यस, वी आर एजुकेटिंग पीपल लाइक दिस, यू नो, दिस इज अ वे। मैंने तो मैम इसके लिए और मैं हर्ष यादव जी को, हर्ष यादव, डॉक्टर ममता मैम हर्ष यादव जी जुड़े हुए हैं, वो तो जुड़ने के बाद ये तो पूरी जान डाल देते हैं। तो थैंक यू सो मच हर्ष यादव जी। और आज विश्व महिला दिवस है, तो हर्ष जी क्या आप बोलना चाहिएगा? आज हमारे बहुत सारे फीमेल फार्मासिस्ट भी हैं, तो वो जुड़े हुए हैं, तो आई विल टेक फर्स्ट कमेंट फ्रॉम योर साइड। या फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी फॉर सच अ बिग प्लेटफॉर्म टू से समथिंग अबाउट इन दिस very auspicious day on Women's Day. तो सबसे पहले सर अभी मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले सबको Women's Day की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके घर में मम्मी, बहनें और जिस तरीके के बहुत सारे रिश्ते हैं फीमेल्स के साथ, तो उन सब से ही मिलके एक जो पुरुष है उसका व्यक्तित्व तो निखरता है और सोसाइटी में उसका रोल होता है। तो अभी बहुत फेमस चीज एक डायलॉग चल रही है, शिक्षा, संपत्ति, सद्बुद्धि, ये सारे अगर स्त्री हैं तो फिर पुरुष कहाँ आते हैं? तो ये सारे चीज ही, जो शिक्षा बोले चाहे संपत्ति बोले और जो भी चीजें हैं जिसे एक सोसाइटी में एक मान सम्मान मिलता है, उसका डायरेक्ट रिलेशन एक स्त्री से होता है। तो आज वो दिवस है तो उस चीज को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और क्योंकि हम सब फार्मेसिस्ट फेटर्निटी को बिलोंग करते हैं, तो यहाँ एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब भी कभी, एक मैं कहानी सुना था राजस्थान की, जहाँ जब एक बच्चा डिलीवर हो रहा था तो उसके घर वाले जब लेके जाते हैं तो वहां कोई फीमेल डॉक्टर नहीं मिलती, तो अनफॉर्चुनेटली उसके जो घर वाले हैं वो डिलीवरी नहीं कराते क्योंकि एक जेंडर एक गैप आ जाता है कि हम फीमेल डॉक्टर से ही कंसल्ट करेंगे। और अंततः उस एक माँ को, जो माँ बनने वाली थी, उसको अपने बच्चे से, अपने शरीर से हाथ धोना पड़ता है कुछ सीरियस कॉज के कारण। तो अगर हमारे देश की लड़कियां पढ़ेंगी और उनकी संख्या ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि एक स्त्री जब पढ़ती है तो वो दो पीढ़ियों को पढ़ाती है, एक तो सेम जिस घर में है वो, और जहां वो जाएगी वो घर भी शिक्षित होता है। तो ये ऐसे बहुत सारी आजकल हमारी प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, वो सब इन सब चीजों को अगर लेके चलती है तो इसमें समाज का ही भला है और एक पुरुष सशक्त रूप से खड़ा हो सकता है। तो हम महिला सशक्तिकरण की जगह अगर हम इनको आगे बढ़ाएंगे तो पुरुष सशक्तिकरण में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। थैंक यू सो मच हर्ष, बहुत बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छे तरीके से आपने चीजों को समझाया है। यस डॉक्टर ममता मैम, प्लीज गो एड एंड सॉरी आपको मैंने रोका डॉक्टर ममता मैम।
नहीं सर, नहीं, हर सर को सुनना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो बहुत छोटा, पूरी मतलब कि वो बहुत छोटा एनालिसिस करते बोलते हैं. हैं, बहुत, एग्जैक्टली हाँ, उनकी जो एक पॉइंट होता है उसके अंदर बहुत कुछ छुपा होता है। हाँ, राइट तो उन्होंने एक छोटी सी बात में ही बोल दिया कि अपने आप को अगर वो करना है, बढ़ाना है, तो महिला को बढ़ाना शुरू कर करेक्ट. दो। हाँ और मैं फार्मेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा कि बहुत सारे हमारे जो प्रोफेशन में लोग एजुकेशन लेते थे तो उनको ऐसा लगता था कि फैमिली को मैनेज करके एक सेफर प्रोफेशन एकेडमी को बोला जाता था कि फीमेल्स के लिए एकेडमिक सेक्टर ज्यादा बेस्ट होता है. तो आप आज के समय में एकेडमिक सेक्टर को कैसा देखते हैं फार्मेसी सेक्टर में? और आप यदि कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ चेंजेस की जरूरत है, बहुत सारे ऐसे रेगुलेटर्स भी जुड़े हुए हैं, काउंसिल्स के भी जुड़े हुए हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहिएगा? बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे से बात करते हैं कि नहीं वो एकेडमिक में जाना चाहते हैं फॉर फैमिलीज के लिए एंड ऑल, बिकॉज वर्क लाइफ बैलेंस रहता है. बट आज के समय और मैं यदि क्या चेंजेस देखते हैं और क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं कि सर, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में ये देखा जाता है कि जो लेडीज होती है मोस्टली, और या फिर कहा जाए कि जिसको रिलैक्स करना है वो एकेडमिक्स में चला जाओ, ठीक है। ये हमारी एक सोच बनी हुई है कि जो एकेडमिक्स है वो एक बहुत ही रिलैक्सिंग जॉब है, लेकिन ऐसा नहीं है। करने वाले के लिए इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। तो एकेडमिक्स के अंदर आप जो फ्यूचर बना रहे हो, आप बच्चों फ्यूचर क्या बना रहे हो, आप तो पूरे अपने जो हमारा क्या कहेंगे, इंडिया कह लो या हमारी सोसाइटी कह लो, आप उसकी प्रोग्रेस करा रहे हो, तो वो रिलैक्सिंग जॉब कैसे हो सकती है? एकेडमिक कोई रिलैक्सिंग जॉब मेरे उस हिसाब से रिलैक्सिंग जॉब नहीं है। नहीं, उसके अंदर आपको, नहीं, मैं आपको क्लियर करूंगी ना चीज सर, तो रिलैक्सिंग जॉब नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, नहीं, कि रिलैक्सिंग जॉब इसके नहीं है. अंदर वो फर्स्ट चॉइस होता है, फीमेल्स का फर्स्ट चॉइस होता है कि एकेडमिक में जाना, नहीं, उनका इंटरेक्ट करना नहीं, हाँ, स्टूडेंट्स को, उनको ग्रो करना, बिकॉज वो भी एक उसके फ्रेशर्स लिए आता है, दे ऑल आर न्यू बॉर्न बेबी, तो उन्हें पता होता है कि एक न्यू बॉर्न बेबी को कैसे ग्रो कराना है. तो मैं उस रिस्पेक्ट में फीमेल जो है वो सोचती है कि नहीं हमें एकेडमिक में हाँ, जाना है, और वो बच्चों के लिए भी बेहतर उस होता है. रिस्पेक्ट में भी सोच, मतलब फीमेल्स बेशक उस रिस्पेक्ट में सोचती है, लेकिन हमारे जो जेंट्स हैं वो दूसरे रिस्पेक्ट में सोचते हैं सर। ये भी एक रियलिटी है, ठीक है। मैं आपको पता है मैं रियलिटी बोलती हूँ, ठीक है। तो वहां पे भी ये चीज है। हाँ, जो लेडीज होती हैं, अगर आप कितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, अगर आप उनकी प्रिंसिपल को देखें, तो उनकी प्रिंसिपल मोस्टली 80% लेडीज हैं। आप जितने करेक्ट भी आप डीपीएस या बहुत हाई प्रोफाइल स्कूल्स देखें, तो वहां पे जेंट्स प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि जो फीमेल है मेरे ख्याल से वो एक बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है। उसको बच्चों की जो भावनाएं एग्जैक्टली होती हैं, उसको कब गुस्सा करना है, कब शांत रहना है, कब उनको डांटना है, कब उनको प्यार करना है, तो वो सारे इमोशंस उसके अंदर होते हैं। तो एक बहुत अच्छी एकेडमिशियंस उस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है, क्योंकि वो सबकी भावनाओं को समझते हुए सबको मैनेज करना, मतलब उसको बैलेंस करना आता है सारी चीजें। तो मेरे ख्याल से फीमेल्स के लिए ये अच्छा वो है ऑप्शंस। और इसके अंदर अगर आप इंजॉय करो तो बहुत अच्छी जॉब्स है, क्योंकि आपको वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स मिलते हैं और उनकी इतनी अच्छी अच्छी थिंकिंग्स होती है, क्योंकि उनसे आपको सीखने को ही बहुत कुछ मिलता है। उनके पास इतने आइडियाज होते हैं, मतलब वो बोल नहीं पाते हैं, उनके पास इतने आइडिया होते हैं। मैं तो उनको फ्री छोड़ रखा है कि बेटा आप अपने आइडियाज लेके आओ, तो जब वो आइडिया लाते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है कि हम उन बच्चों से भी सीख रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि हमें बच्चों को सिखाना है। आज की जो टेक्नोलॉजी है, हो सकता है कि हमें नहीं आती है, लेकिन हमारे जो आज के राइट स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छी आती है। तो हम तो सीखते हैं, हम तो सैटरडे संडे को भी उनको कहते हैं कि भाई आना जरा, हमें भी सिखाना, ये कैसे होगा। तो ऐसा नहीं है, ये आपस में एक दूसरे का ऐसा बॉन्डिंग होता है स्टूडेंट्स का और टीचर का, तो कि उससे एक दूसरे को हम दे के और लेके जो है अपने सोसाइटी को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। और दूसरा, एक पूनम मैम ने क्वेश्चन किया था इसमें कि हम फार्मासिस्ट जो है वो क्या कर सकते हैं अपने उसके लिए। तो मेरे ख्याल से, करेक्ट जैसे मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बोला है कि जितनी भी हमारी स्कीम्स होती हैं रिलेटेड टू वुमेन्स, जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, जो छोटी छोटी स्कीम्स होती हैं, वो फार्मासिस्ट की शॉप के बाहर वो जो है लगाई जाए, ठीक है, उसको डिस्प्ले किया जाए। तो जब हम उस चीज को डिस्प्ले कर लेंगे करेंगे, तो ऑब्वियसली जो कस्टमर है वो एक बार तो आपसे जरूर पूछेगा कि ये क्या चीज है। तो सबसे पहले ये अवेयरनेस करने का एक बहुत बेस्ट तरीका है। मेरे एक दो स्टूडेंट्स ने ये किया भी है कि उन्होंने अपनी फार्मासिस्ट की शॉप के बाहर वो चिपका दिया है कि भाई ये जो है आपकी ये स्कीम्स हैं, इसमें ऐसा ऐसा होता है। फिर वो उससे पूछते हैं
फिर उस बच्चे को मैंने ये भी बताया, बेटा कि अगर इनको दिक्कत होती है तो आप इनका ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट करो। तो साथ में क्या होता है कि आप वो फार्मेसी की शॉप भी चला रहे हो और आप उनके ऑनलाइन फॉर्म भी भर रहे हो, क्योंकि वो गाँव वाला है, उसको क्या पता है कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो वो डॉक्यूमेंट्स लाता है, उसको भरता है, तो उसकी भी थोड़ी सी अर्निंग फार्मेसी वाले की भी हो गई, वहां से उसका भी हो गया, और हमारी जो स्कीम्स है वो हमारी सारी सोसाइटी तक पहुंच गई। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि स्कीम्स तो बहुत हैं, लेकिन वो स्कीम्स जो है करेक्ट जगह पे पहुंच नहीं पा रही हैं। तो इसके अंदर जो फार्मासिस्ट है वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। यदि देखा जाए तो तादाद देखा जाए, या एक जगह तादाद देखा जाए, नंबर्स देखा जाए, तो फीमेल फार्मासिस्ट का काफी है। तो बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कीम्स है जो एक्टिविटी भी, एडिशनल एक्टिविटी भी यदि कॉलेज चाहे तो कर सकते हैं। जैसे हो गया एड्स डे के दिन अपना वो एडवर्टाइज कर सकते हैं, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं कि कैसे प्रिवेंट किया जाए, चाहे ब्रेस्ट कैंसर डे होता है उसमें अपनी बातें रख सकते हैं। तो बहुत ऐसे ऐसे एक्टिविटीज है, ऐसे बता सकते हैं फीमेल तो हमारी इसमें हम ये भी कर सकते हैं, जैसे मैम ने विशाखा जी ने कहा था कि हमारे जो फार्मासिस्ट जो एसोसिएशन के हेड है वो भी ऐसा कर सकते हैं कि एक ये कंपलसरी कर दे कि भाई आपको अपने फार्मासिस्ट की शॉप पे ये तो लगाना ही लगाना है, जो आपकी स्कीम्स आती हैं ये आपको लगानी है। तो उससे क्या होगा कि वो एक कंपल्शन हो जाएगी और हर कोई फार्मासिस्ट की शॉप पे जाता है, तो उससे जो हमारी स्कीम्स चल रही है वो सब मतलब कि पूरी सोसाइटी के अंदर वो फैल जाएगी और वो जो बेनिफिट जहां तक पहुंचना चाहिए वो वहां तक पहुंच जाए। मेरा तो ये आइडिया है पूनम, आपने आइडिया पूछा था पूनम जी, और पूनम जी हाँ मैं पूनम जी तरह मूव करूंगा। पूनम जी बहुत सारा अच्छी कविताएं लिखते हैं और उनका एक लाइन भी है, पंक्ति बहुत ही थोड़ा तनिक सा मेरा नाम एंड समथिंग ऐसा कुछ उन्होंने लिखा है, मैं दो लाइन उनसे सुनना चाहूंगा देन बिकॉज बहुत सारा टेक्निकल बात भी कर ले ताकि लोग पूनम जी के बारे में ज्यादा जाने। जी 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 नमस्कार सभी को, और डॉक्टर ममता की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और जैसा कि रोहित जी ने बोला है कुछ फार्मेसी पे सुनाना है, और आजकल का जो माहौल चल रहा है फार्मासिस्टों को लेके उस पे एक मेरा व्यंग है, ये कविता व्यंग ही मानिए कि बनाता अगर हूँ जो तो देता नहीं हूँ गोली, बनाता अगर हूँ जो तो देता नहीं हूँ गोली, मैं फार्मासिस्ट देखो मैं हूँ तेरा हमजोली, मैं फार्मासिस्ट देखो मैं हूँ तेरा हमजोली, रहे स्वास्थ्य सबका उत्तम, रहे स्वास्थ्य सबका उत्तम, जीवन बने सर्वोत्तम, लिखने नया इतिहास बनाई है हमने टोली। तो मुबारक हो गुप्ता जी, ये टोली आपकी जो बनाई है आपने, तो लिखने नया इतिहास बनाई है हमने टोली, बनाता हूँ अगर जो तो देता नहीं हूँ गोली। तो आभार आप सभी का। तो ये कविता थी व्यंग, जो लोग कहते हैं ना कि अरे तुम फार्मासिस्ट हो तुम बहुत कमाते होगे, फिर तो तुम्हें फ्री के सैंपल मिलते होंगे। तो भैया आंखें जागो, ग्राहक जागो, हम बनाते हैं लेकिन हम फ्री का नहीं पाते हैं, ठीक है। सभी फार्मासिस्ट एमआर नहीं होते, तो एजुकेटर्स भी होते हैं, फार्मा एक्सपर्ट भी होते हैं, मैम की तरह शिक्षक भी होते हैं। तो फार्मासिस्ट एक ऐसी शाखा है जो देश के हर प्रांत में हर जगह अलग अलग आप अभी हमारे चार विंडो में है। मैं खुद एज ए फार्माकोविजिलेंस साइंटिस्ट हुआ करता हूँ, विशाखा जी सीनियर एनालिस्ट हैं जो मेडिकल समराइजर एज ए काम करते हैं बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी में, डॉक्टर ममता मैम एकेडमिक्स हैं जो डायरेक्टर काम करती हैं, और पूनम जी कीमो मिक्सिंग में है। तो चार प्रोफेशन के तो यही बैठे हुए हैं, और हमारे हर्ष यादव जी जुड़े हुए थे वो पीएचडी स्कॉलर्स हैं जो काफी इनोवेटिव आइडिया लेके आने वाले हैं कुछ समय बाद। तो प्रोफेशन बहुत है देखा जाए तो, पूरा डाइवर्सिफाई है। और पूनम जी का एक और बहुत बढ़िया अच्छा लाइन हुआ करता था आपका, तनिक सा मेरा नाम लो, मैं वो हमेशा वो कोशिश करता हूँ मैं गाऊं बट वो गा नहीं पाता हूँ, पर वो चीजें आपको याद होगा तो थोड़ा सुनाए सबको, देन आई विल मूव, या फिर मैं ममता मैम, देन आई विल टेक द फ्यू कमेंट्स फ्रॉम द विशाखा। एक मुझे 2 मिनट का समय, विशाखा जी आप, यस विशाखा जी काफी देर से बैठी हुई है, तो आपने पूरे कन्वर्सेशन सुना, आप अपनी कुछ बातें रखना चाहती है, बिकॉज अभी जस्ट उन्होंने भी कंप्लीट किया अपना एजुकेशन एंड देन नाउ उन्होंने एमएनसी कंपनी ज्वाइन किया है, तो आप कुछ बात रखना चाह रही हैं डॉक्टर ममता मैम है, बाकी पूरे एसोसिएशन हैं, देश के सारे फार्मासिस्ट जुड़े हुए हैं। जी सर,
सर वैसे तो मैं पता नहीं, मुझे जितना समझ में आया मैम ने जैसे बताया कि हाँ हम इसको जो है स्टूडेंट के लेवल से शुरू कर सकते हैं। तो सर बी फार्मेसी में, बैचलर फार्मेसी में एक सब्जेक्ट है सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। उसमें बहुत सारी स्कीम्स हमें बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं। बट सर आई थिंक थोड़ा सा एजुकेशनल लेवल पे अगर हमारे सिलेबस में इसका एक प्रैक्टिकल भी एड ऑन कर दिया जाए कि हम जो है जाके, बिकॉज दैट इज सोशल, उसमें वर्ड ही आ रहा है, ठीक है, वो थोड़ा सा जो है कि हाँ हमें सोशली जो है लोगों को अवेयर भी करा सके। तो अगर उसमें एक प्रैक्टिकल एड ऑन कर दें या एक ऐसा प्रोजेक्ट एड ऑन कर दें ताकि स्टूडेंट्स भी अपनी इम्पोर्टेंस तो समझे ना, या इम्पोर्टेंस क्या है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रियलाइज करें कि हाँ ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हम इसे पढ़ रहे हैं तो हम इसको आगे कैसे बढ़ रहे हैं। ये नेशनल हेल्थ स्कीम है राइट या कोई फैमिली प्लानिंग स्कीम है। और सर आपने एक चीज और बोली थी फैमिली प्लानिंग पे, तो वेमेन आर बिकमिंग अवेयर ऑफ इट कि हाँ फैमिली प्लानिंग वो हम दो हमारे दो वाला स्कीम तो चल गया है। बट सर क्या है कि रूरल एरियाज में जो स्टेरॉयडल जो पिल्स आती हैं उसका बहुत ज्यादा एक्सेसिव मिसयूज होने लगा है। तो सर इसको थोड़ा सा जो है हमें इसको इस टॉपिक पे जो है आगे कभी सेशन में हम जरूर इसको डिस्कस करेंगे और इस पर थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। बस सर मेरे को तो यही बोलना थैंक यू सो मच विशाखा जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा है। यस डॉक्टर ममता मैम, आप विशाखा मैम ने जो पॉइंट्स रखा है दिन वाकई में वो चीजें था। एक्टिविटी करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, विशाखा मैम ने जो कहा है कि जो सोशल फार्मेसी अभी डीफॉर्म फर्स्ट ईयर में इंट्रोड्यूस किया है उसके अंदर जो प्रैक्टिकल्स हैं उसको लैब से निकाल के बाहर मतलब कि सोसाइटी तक ले जाना चाहिए। उसके अंदर एक या दो, एक्चुअली बी फार्म में तो है वो, बट बैचलर ऑफ फार्मेसी में नहीं है। लाइक बी फार्म में जब मैं कर रही थी तो उसमें नहीं प्रैक्टिकल था, डी फार्म में इट इज देयर, ठीक है, वो थोड़ा बहुत जो लास्ट में कनेक्ट बताते हैं, ठीक वो है, बट डिस्कनेक्ट डी हो फार्म चुकी में है आई थिंक। या कोई नहीं सर। सो ओके सो पूनम जी, आप यदि हाँ उन यदि वो जुड़ती हैं तो फिर उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज पूनम जी जो है जी प्लीज आप कुछ सुनाने वाले हैं। या जी ये रचना मैंने, मेरी सारी फार्मासिस्ट की रचनाओं के प्रेरणा स्रोत रोहित जी हैं, क्योंकि अरे ये मैडम नहीं आपको कुछ सुनाना है तो मैं तभी लिखती हूँ तो थोड़ा सा यहाँ मैं कमजोर हूँ, बट मैं हाँ कोशिश करूंगी समय समय पे कुछ लिखती रहूँ ताकि बदलाव आए। एक बदलाव की, बिल्कुल कहते हैं कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत है, और इफ यू यू हैव पेन इन योर हैंड तो यू कैन चेंज द वर्ल्ड, यू नो। तो एक कविता फार्मासिस्ट पे की, अंधेरों उजालों से निकल एक बार जो तुम देख लो, अंधेरों उजालों से निकल एक बार जो तुम देख लो, मैं भी लड़ा हूं मुश्किलों से, मेरा तनिक जो नाम लो। एक दो नहीं हजार हैं, हम भी हिस्सा उपचार हैं, मिलती सभी को शाबाशियां, हम में फैली उदासियां। हमने नहीं चाहा कभी हमको कोई इनाम दो, हमने नहीं चाहा कभी हमको कोई नाम दो, तमगा और सम्मान दो, मैं भी लड़ा हूं मुश्किलों से, मेरा तनिक जो नाम लो। दिखता बहुत तुम्हें ये क्यों नहीं, दिखता तुम्हें ये क्यों नहीं, रखते खुराक का ध्यान है, फिर भी न लेता कोई एक बार भी संज्ञान है। विलुप्त हम किसी कभी थे नहीं, विलुप्त हम कभी थे नहीं, बस बताए जाते हैं आंकड़ों में, यूं ही जाने कब से छुपाए जाते हैं। इस बार सह न पाएंगे बस तुम ये जान लो, इस बार सह न पाएंगे बस तुम ये जान लो, मैं भी लड़ा हूं मुश्किलों से, मेरा तनिक जो नाम लो। बहुत हमारी अनमोल शिक्षा जो कारोबार से है जुड़ी, हमारी अनमोल शिक्षा जो कारोबार से है जुड़ गई, तभी शायद छवि हमारी उपचार में धूमिल हुई। बंद बहुत करते रास्ते तुम गुनहगार हम बताए जाते हैं, बंद करते रास्ते तुम गुनहगार हम कहलाए जाते हैं, हम भी लड़े इस महामारी से बस आदतन भुलाए जाते हैं, हम राइट भी लड़े करेक्ट इस महामारी से बस आदतन भुलाए जाते हैं, मैं भी लड़ा हूं मुश्किलों से, मेरा तनिक जो नाम लो। चुप रहना बहुत नहीं खूब है अब हमें, तुम कान अपने खोल लो, चुप रहना नहीं है अब हमें, तुम कान अपने खोल लो, मैं भी लड़ा हूं मुश्किलों से, मेरा तनिक जो नाम लो। बहुत खूब अच्छा सुनो, अच्छा सुनो अब बात मेरी आखिरी, अच्छा सुनो अब बात मेरी आखिरी, लगता तुम्हें ये क्यों सदा जरूरत हमारी है नहीं,
इस महामारी से लड़ने में हिस्सेदारी हमारी है नहीं, हमने भी वैक्सीन की राह में फार्मासिस्ट गवाए हैं कई। क्या तुम्हें क्या तुमको ये ज्ञान है ये राह ना आसान है, क्या तुमको ये ज्ञान है ये राह ना आसान है, अब भी आंखें खोल लो, मैं भी लड़ा हूँ मुश्किलों से मेरा तनिक जो नाम, मैं भी लड़ा हूँ मुश्किलों से मेरा तनिक। बहुत खूब, बहुत खूब, आपने पूरा मतलब व्याख्या ही कर दिया पूरी जो प्रॉब्लम है, जो इतना कोरोना काल में कितने फार्मासिस्ट थे जिन्होंने अपनी जाने भी गवाई, और फर्स्ट लाइन ऐसे देखा जाए तो वो खड़े थे, सारे डॉक्टर्स क्लिनिक्स बंद करके चले गए थे, तो सिर्फ एक ही सब कम्युनिटी खड़ा था, वो तो फार्मासिस्ट। पूरे सेशन के दौरान पूरे जो ये फेज चला 3 साल का ये दौर, कितने फार्मासिस्टों ने जान दी, एक का भी कहीं भी कहते exactly. और यदि देखा जाए लोग वैक्सीनेटेड हुए हैं, वो वैक्सीन बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ओवर टाइम कर करके बनाया है ताकि लोग जो है ना वैक्सीनेटेड हो और उनसे कोरोना से महामारी से मुक्ति मिले, तो उसमें भी देखा जाए तो फार्मासिस्ट का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज उन्होंने ओवर टाइम कर करके रात दिन मेहनत करके बनाया है उन्होंने। दवाइयां उपचार लोगों का चलता रहे, वो रुका नहीं, वो थमा नहीं, और एग्जैक्टली वो सब कुछ लॉकडाउन हो गया, सारी धरती थम गई, 3 महीने के लिए सब कुछ बंद हो गया, एग्जैक्टली आई थिंक 6 महीने तक सारी चीजें सर्कुलाइज नहीं हो पाई प्रॉपरली, बट द फार्मेसीज आर लिसनिंग 24 आवर, दे वर सप्लाइंग मेडिसिन टू होम्स, तो देयर वी आर वर्किंग, दैट्स व्हाई वी आर प्राउड फार्मासिस्ट। एग्जैक्टली, और आपके बहुत सारे लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से आपने चीजों को पूरा एक्सप्लेन ही कर दिया, क्या विशाखा मैम पूरी सारी चीजें ला कर रख दिया यहाँ पे आपने, वैक्सीन तो पूरे फार्मास सिनेरियो जो है ना सामने चल रहा था कि अच्छा हाँ ये चीज है, तो हमारे फार्मासिस्ट में बहुत सारे ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग भी हैं, पूनम मौर्या जी को देखा जाए तो वो बहुत सारे प्रोग्राम भी करती हैं गुड़गांव दिल्ली में, यदि आप कोई उनका अटेंड करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, उनका प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे एक और फार्मासिस्ट हमारे पेज पे आई थी कंचन जी, जो उन्होंने काफी हाइट 21,000 हाइट समथिंग उन्होंने अचीव किया था, वो भी एक हमारे पेज पे लाइव आई थी। तो हमारे ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, विशाखा जी लगातार एक्टिविटी करते रहती हैं ताकि कॉग्निटिव कैसे बढ़ाया जाए और चीजें हम इसे डिस्कस करती रहती है। आज का प्लानिंग भी विशाखा जी का ही था कि आज प्रोग्राम रखा जाए, आज फीमेल वर्ल्ड वुमेन्स डे है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तो उसके हम लोगों ने प्रोग्राम किया है। थैंक यू सो मच पूनम मौर्या जी, पूनम मौर्या जी, विशाखा जी, डॉक्टर ममता मैम, हर्ष यादव जी जुड़ने के लिए, और काफी टाइम आप में लगता है मोर देन 45 मिनट्स हो गया, और आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से आप सभी को विश्व महिला दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं, और जितने भी हमारे फीमेल फार्मासिस्ट जुड़े हैं आप जुड़े रहिए, और जो भी डिस्कस किए हैं, जो जो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल एक्टिविटी करते रहिए जो फीमेल फार्मासिस्ट, ताकि हमारी कम्युनिटी का नाम हो और फार्मेसी का भी नाम हो। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।